मेरा नाम रविंद्र गोस्वामी है, मैं वार्ड 38 अर्थला से कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी हूँ। अगर मुझे पार्टी ने विश्वास जताकर टिकट दिया तो मैं अपने वार्ड 38 से जीत दिलाऊंगा पार्टी को। बाकी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ न्यूज़ प्लस का, जो आज आप मेरे पास आए। मैं अपने गांव में जो मेजर काम है ज़रूरी, जैसे कि पानी की सप्लाई का, बहुत बड़ी परेशानी हमारे यहाँ पानी की सप्लाई की। रामनगर कॉलोनी व अम्बेडकर कॉलोनी में पानी की समस्या इतनी है कि जो पुराना पानी सप्लाई का पानी आता है उसमें बदबू आती है, अगर खोलते हैं उस पानी में वो पानी पीने योग्य बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला मेजर काम मेरा जो रहेगा कि वार्ड में अपने पानी की सप्लाई चालू कराना। दूसरा, आज देखेंगे आप अगर कॉलोनी में जाएंगे तो खम्भों पे तार लटके हुए हैं, झुंड बने हुए हैं पूरे के पूरे, जिनमें गर्मियों के समय में अक्सर हमेशा फाल्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से तार में आग लग जाती है या घरों तक करंट जाता है। तो सबसे पहले उन चीज़ों को पूरा क्लियर कराना मेरा प्रथम वो रहेगा। देखिए, दूसरा सफाई के क्षेत्र में, कि हमारी कॉलोनियों में इतनी गंदगी रहती है, रोडों में कीचड़ भरा रहता है, नालियाँ ब्लॉक रहती हैं, जो मुझे रेगुलर इन चीज़ों को कराना है कि हर गली मेरी हर गली साफ रहेगी, सुथरी रहेगी बिल्कुल, मेरा ये वार्ड के लिए लक्ष्य रहेगा। वर्तमान पार्षद और पूर्व पार्षद समाजवादी पार्टी के दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पूरे क्षेत्र का वार्ड का बहुत ज़्यादा विकास कराया है, उनकी बात से आप कितना सहमत? बिल्कुल आपने सही बताया कि वर्तमान पार्षद और पूर्व पार्षद जो कार्य किए, उन्होंने सबसे पहला कार्य उन्होंने किया है अर्थले में डंपिंग ग्राउंड लाना, जिसकी वजह से आज लोग उस प्रदूषण से इतने बीमार हो रहे हैं। जो एक पार्क है वहाँ पे, उस पार्क में भी जाना पसंद नहीं करते लोग, क्यों कि वहाँ पे जाके और बीमारियाँ उन्हें लग जाती हैं, इतने मच्छर उससे पैदा हो रहे हैं कि सबसे ज़्यादा परेशानी तो हमें उस डंपिंग ग्राउंड से है, जिसको हमें सबसे पहले उठाना है। ये हमारे पार्षद जी की जिम्मेवारी थी जो उन्होंने नहीं की, वो कार्य अब हमें करना है। वो डंपिंग ग्राउंड का पूरा कौन लोग डालते हैं, वहाँ किसकी जमीन है? ये नगर निगम वालों ने यहाँ पर जो डंपिंग ग्राउंड बनाया है कि सब जगह का कूड़ा यहाँ ला के डालना, हमने उस पर प्रतिरोध भी जताया, कई बार वीडियो बनाई, नगर आयुक्त को भी दी और पार्षद जी से भी कहा, बसरते कोई हमें उनसे उपाय नहीं मिला उसका। अब हमारा लास्ट ये होगा कि हमें धरना देना होगा, वहाँ गाँव के लोगों को इकट्ठा करना होगा कि भैया ये यहाँ से उठना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बीमारी की जड़ है, इतनी बदबू आती है, मच्छर आते हैं, डेंगू मलेरिया फैल रहा है उसकी वजह से गांव में, तो वो सबसे पहले उठना चाहिए वहाँ से, मेरी प्राथमिकता यही होगी। उसके अलावा उन्होंने और भी विकास कार्य गिनाए हैं, पूरे गाँव में पानी की पाइपलाइन उन्होंने भिजवा दी है। पूरे गाँव में पानी की पाइपलाइन, मैं सिर्फ पार्षद जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे रामनगर कॉलोनी और अम्बेडनगर कॉलोनी में आके सप्लाई का पानी पिए एक बार, अगर वह पानी पी लेते हैं तो मैं गारंटी से कहूंगा कि पानी का सप्लाई बहुत अच्छी है। अगर वो उस पानी को नहीं पी पाते तो खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे उसके लिए। सफाई की क्या स्थिति है वार्ड में? वार्ड की सफाई की स्थिति कि हर गली में, अगर अंदर जाएंगे आप मेन रोड के जो कॉलोनियाँ हैं उनमें तो साफ सफाई है, अगर अंदर कॉलोनियों में आप जाते हो देखेंगे नाली ब्लॉकेज है हमारी, सारी गलियों में कूड़े पड़े हुए, क्योंकि वहाँ बड़ी गाड़ी नहीं जा पाती कूड़ा उठाने वाली। ये पार्षद जी को इंतजाम करना चाहिए कि छोटी कोई गाड़ी ऐसी बनाए जो कूड़ा उठा सके गलियों से, या फिर उनके कर्मचारी वहाँ तक कूड़ा उठाने जाएं, क्योंकि सेवा दी है नगर निगम में तो वो मिलनी चाहिए हर आदमी को। तो सबसे ज़्यादा परेशानी कूड़ा उठाने की है, वो कूड़ा नालियों में जाता है और नालियाँ ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण गलियों में पानी भर जाता है। पूर्व पार्षद ब्रजेश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अंडरपास बनवाने का काम किया है, ये इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क बनवाने का काम किया है, कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई अगर आपको देखने, देखिए आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, आप जैसे ही आनंद इंडस्ट्रियल एरिया में एंट्री करेंगे तो आपको इतना बेहतरीन रोड मिलेगा कि आप लास्ट तक जाते जाते पेट का पूरा पानी हिल जाएगा आपको, इतने गड्ढे हैं उस रोड पे। ये आपको सच्चाई बयां करती है कि रोड कितने बनवाए हैं। दूसरा बात आती है अंडरपास की, अंडरपास गांव के कई लोगों ने धरने दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, एक्सीडेंट हुए रेलवे पे, उसके कारण अंडरपास का कार्य चला है, बट उसमें भी बारिश के समय में इतना पानी भर जाता, उसका कोई इंतजाम नहीं है। उस अंडरपास को पार करने के लिए बारिश के समय में दो दो दिन तक उसमें पानी भरा रहता, कोई देखने वाला नहीं है। कई बार इसकी शिकायत भी की गई है, पार्षद जी से भी कहा गया है, मगर उसका कोई समाधान नहीं हुआ आज तक।
हर बार ये सीट समाजवादी पार्टी पे ही जाती है, कांग्रेस का कभी पार्षद यहाँ नहीं बना, तो आप कैसे उनसे मुकाबला कर पाएंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, हर बार यह सीट सपा को जाती है। इसका मेन कारण है कि यहाँ पर जो आज तक कांग्रेस का कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं खड़ा किया गया। इस बार हमारी लड़ाई समाजवादी और बीजेपी दोनों से है और इस बार हम अपनी सीट जीत कर दिखाएंगे। और भी दावेदार हैं क्या पार्टी से कांग्रेस के? अभी तक तो पार्टी से दावेदारी ही मेरी है, टिकट भी मेरा ही कंफर्म है। और भले ही कोई लोग जाते रहे टिकट मांगने, देखो हर किसी का दायित्व है, वो हर कोई टिकट मांगने जाता है, मगर मैं अपनी तरफ से कंफर्म हूँ कि टिकट मेरा ही है। तो आपको पूरा यकीन है कि आप इस बार सपा के इस घर को तोड़ने का काम करेंगे? बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है, इस बार मैं सपा के घर को तोड़ूंगा और कांग्रेस इस बार वार्ड में पार्टी जीतेगी। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपनी जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरी देवतुल्य जनता, इस बार आप उस पार्षद को चुने जो आपके सुने, क्योंकि मैं आप में से हूँ, मैं आपके बीच में से आया हूँ, आपके लिए कार्य करूँगा बिल्कुल स्वेच्छा से। आप आज तक जिन पार्षदों के पास जाने में भी डरते थे, मैं वो पार्षद हूँ, आप कान पकड़ के मुझे अपने पास ला सकते हैं, जो आपके काम हैं वो पूर्ण रूप से करा सकते हैं, क्योंकि मैं कोई पावरफुल आदमी नहीं, मैं आपके बीच में से निकला हुआ हूँ। तो मेरी यही अपील रहेगी, इस बार आप मुझे वोट दें, जिताने का कार्य करें, फिर मैं अपने वार्ड का विकास पूर्ण तरीके से करूँगा। पार्टी का पूरा सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल पार्टी का पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है, मेरे जितने भी नेतागण हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो मेरे साथ हैं, मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है, मेरे साथ आने के लिए तैयार है, प्रचार में आने के लिए तैयार है, और मैं अपने वार्ड को इस बार जिताकर ही मानूंगा। कांग्रेस पार्टी के अलावा आपने वो समाज सेवा के क्षेत्र में क्या काम किया? समाज सेवा के क्षेत्र में जैसे अभी देखिए कि इन्होंने मौजूदा पार्षद या इंडस्ट्रियल एरिया के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यहाँ पे छोटे रेड़ी पटरी वाले, खोके वाले, उन्हें उठा अतिक्रमण हटाने का कार्य किया। अतिक्रमण क्या सिर्फ छोटे रेड़ी पटरी वाले ही हैं? जो बेचारे अपने उस छोटे से व्यापार से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पाल रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, और जो ITS वालों ने इनलीगल पार्किंग बनाई हुई है, जो मेन रोड पे ढाबे हैं, राजा ढाबा है, वैष्णो ढाबा है और कई ढाबे हैं, जो रात शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे तक रोड ब्लॉक करके रखते हैं, वो क्या इनलीगल नहीं है? उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए? मैंने अपने छोटे ठोके वालों को, रेडी पटरे वालों को हटाने से रोका गया है, और मैं ये कार्य लगातार करता रहूँगा। मैं अपने भाइयों के लिए लड़ूंगा, पूर्ण रूप से लड़ूंगा। अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या ये जो सड़क पर अतिक्रमण हो रहा है, जो बड़े लोग इन्होंने कर रखा है, उसको हटवाने का काम करेंगे? बिल्कुल पूर्ण रूप से। देखो जो इन्होंने गलत पार्किंग बना रखी है, सबसे पहले तो उसे हटाना। तार कंपनी के ट्रक हर रोड पर ब्लॉकेज करके रखते हैं, सबसे पहले उनको हटाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, मैं जो रेड़ी पटरी वाले हैं उनको एक स्थापित जगह दिलाऊंगा जहां पर वो आराम से अपना किया जमा सके, अपना रोजगार चला सके, रोज रोज उन्हें ना कोई परेशान करे, ना नगर निगम की परेशानी हो, ना किसी गांव क्षेत्र वासियों से परेशान हो। मुझे ये कार्य अपनी प्राथमिकता में रखने हैं। और क्या आपका जितने पर प्रमुख कार्य रहेगा? मेरा एक और प्रमुख कार्य है जो बहुत जरूरी है, हमारा जो मेन रोड पर गांव है अर्थला गांव, यहाँ क्रॉसिंग की बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज की बहुत ज़रूरत है। साल में पिछले साल का जो रेशियो आया था यहाँ पे, कम से कम 130 एक्सीडेंट हुए थे, जिसमें से 45 मौतें हुई थी। वो 45 मौत सिर्फ यहाँ पर रोड क्रॉस करने की वजह से हुई थी। अगर किसी क्षेत्र में, यहीं किसी जगह पर अगर फुट ओवर ब्रिज हो तो वो सारी हत्याएँ होने से बच जाएँ, वो एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे। तो मेरा सबसे जो प्राथमिक कार्य बनेगा, अगर मैं जीतता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज का कार्य चालू कराऊँगा, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, यहाँ जो अभी उधर से लॉन्ग साइड का जो कट बंद है, वो कट बिल्कुल आपने सही सवाल किया है, वो कट सिर्फ इसलिए बंद किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो ढाबे हैं वो उनकी पार्किंग से रोड जाम हो जाता है, वहाँ पर जो यू टर्न लेने जाते हैं लोग तो वहाँ पर जाम लग जाता है बहुत ज़्यादा। ये पार्किंग अगर यहाँ से हट जाएगी, गलत तरीके से जो पार्क करी जाती हैं गाड़ियाँ, तो वो कट अपने आप खुल जाएगा फिर, क्योंकि रोड साफ रहेगा, यू टर्न लेने में किसी को परेशानी नहीं आएगी। तो जब ये अवैध पार्किंग हटेगी तो अपने आप यू टर्न खुल जाएगा, यानी अवैध पार्किंग भी हटवाने का काम। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा कार्य है जो मैं अपने कार्य जरूर करूँगा। धन्यवाद।